कुछ ही दिन पहले जानकी ने अपने बेटे रमेश की शादी अपने ही रिश्तेदार अनामिका से कराई थी। रमेश ना ही स्मार्ट था, ना ही उसकी मानसिक परिस्थिति ठीक थी। एक दिन रमेश अचानक से घर छोड़ के चला गया, वो भी किसी को कुछ ना बताकर सबकी नजरों से छुप के। सास बहू मिलके उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। इधर घर पे सास बहू अपनी जमीन पर सब्जियां उगाया करते थे और इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे थे। एक दिन जब दोनों अपने खेत में सब्जियां काट रही थी, तब सासू माँ कहती है, बेटा अनामिका, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने तुम्हारी सुनहरी जिंदगी बर्बाद कर दी शादी करा के, इसलिए मैं हर दिन खुद को कोसती रहती हूँ। इस फैसले की वजह से मुझे माफ कर देना। इस तरह से कह के जानकी बहुत दुखी होती है। तभी अनामिका कहती है, सासू माँ, बचपन से आपने मुझे देखा है। मेरी माँ की मृत्यु के बाद आपने मुझे बेटी की तरह पाला है, फिर आपने क्या अन्याय किया है, आप ही बताइए सासू माँ। अनामिका की बातें सुन के जानकी दुखी होकर कहती है, दिमागी हालत ठीक ना होने के बावजूद मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी देके बहुत बड़ी गलती की। लगा था बदल जाएगा, पर वो गलत फैसला था मेरा। पर शादी के कुछ दिनों के बाद ही वो इस तरह से चला गया। कहाँ है वो, कैसा है वो, हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, वो है या भी नहीं। इसीलिए मैंने सोचा है तुम्हारी फिर से शादी कराऊंगी एक अच्छा लड़का देख के, तुम अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकती हो। सासू माँ, आप ऐसा कैसे कह भी सकती है? मैं आपको इस तरह से अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ सासू माँ, और इस बात से मुझे कभी बुरा भी नहीं लगा। एक ना एक दिन वो जरूर लौट के आएंगे, वो जरूर एक ना एक दिन बदल जाएंगे। ऐसी बातें अब से सोचना आप बंद कीजिए सासू माँ। इस तरह से अनामिका समझाती है। बातें होने के बाद दोनों के बीच में वो दोनों सब्जियां काट के अपनी टोकरियां भर लेती है और फिर वहां से चली जाती है। उनकी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। कुछ दिन निकल जाता है, फिर गर्मियों का मौसम आ जाता है। धीरे धीरे गांव के सारे कुएं, बोरवेल सब सूखने लगते हैं। गरीब लोग पीने के पानी के लिए भी तरसने लगे। तभी अनामिका कहती है, सासू माँ, पिछले गर्मी में बारिश नहीं हुई थी एक बूंद, उसी वजह से सारा पानी सूख गया है। गर्मी को देखकर हमें लग रहा है कि इस बार भी बहुत परेशानी होने वाली है। मैं भी वही सोच रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बार तो हम खेती भी नहीं कर सकते जब तक बरसात ना हो। अगर हम पंप भी लगाते हैं तो बहुत कम पानी आएगा, पता नहीं क्या करेंगे। ये 3 महीने हमें कैसे भी करके काटना है, तभी बरसात आएगी। तब तक हमें अपने आस पड़ोस से मांग के मैनेज करना होगा। वो दोनों इस तरह सोचती है। 2 हफ्ते निकल जाते हैं, फिर सासू माँ और बहू रानी की पानी की समस्या शुरू हो जाती है। उनके पास एक पूरा घड़ा पानी तक नहीं होता है पीने के लिए। सासू माँ, 2 दिन हो गए हैं, नल में पानी नहीं आया, घर पे एक बूंद पानी नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ सासू माँ। हमारा घर छोड़ के गांव में दूसरे लोगों के घर में बोर लगे हुए हैं, चलो एक घड़ा पानी मांगते हैं। इस तरह से कह के दोनों घड़ा लेके पड़ोसियों के पास जाते हैं पानी मांगने के लिए। अरे शारदा, हमें 2 घड़ा पानी दे दो, घर में एक बूंद पानी नहीं है। इस तरह जानकी कहती है। उसकी बात सुन के शारदा कहती है, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, पर मोटर चला के मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी। हमें ठीक से पानी नहीं मिल रहे हैं, सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना होगा, पर स्थिति भी देखना पड़ेगा ना। सिर्फ मैं ही नहीं, जिनके पास भी बोर है वो तुम्हें पानी नहीं देने वाले हैं। बुरा मत मानना, अभी तुम लोग जाओ। इस तरह से शारदा कहती है और उन दोनों को वहाँ से लौटा देती है। ठीक है अनामिका, चलो खेत चलते हैं और 2 घड़ा पानी ले आते हैं। हाय भगवान सासू माँ, उतने दूर से हम इतने बड़े बड़े घड़े कैसे लाएंगे, कैसे संभव है। चलिए ना, हम किसी और से पूछ के देखते हैं। जिससे भी पूछोगे यही परिस्थिति होगी, कैसे भी करके उठा के ले आएंगे, चलो। ऐसा कहकर सास बहू खेत जाती है, मोटर चलाती है, पंप से बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आता है और उसी से वो घड़ा भरती है। फिर वो दूसरा घड़ा रखते है भरने के लिए। आधा भरने से पहले ही पानी आना बंद हो जाता है। हे भगवान, 2 घड़ा भी पानी नहीं भर पाया। कम से कम इतना तो मिल ही गया, इस पानी को बहुत सावधानी से खर्च करना होगा, चलिए सासू माँ। ऐसा कहकर वो पानी का घड़ा लेकर घर लौट आती हैं। वो बहुत सावधानी पूर्वक खर्च करते हैं। 2 दिन तक वो पानी चलता है। गांव में यहाँ वहाँ बहुत सारे बोर थे, पर पानी आना वहाँ से भी बंद हो गया था। ये जानकर अनामिका कहती है, सासू माँ, गांव में पानी मिलना बहुत मुश्किल है,
देर ना करते हुए हम गांव छोड़ के कुछ दिनों के लिए और जाके काम करते हैं। जब बारिश होगी तो हम फिर से यहाँ पे लौट आएंगे। इस तरह से अनामिका सलाह देती है। जानकी भी उसकी बातों पे मंजूरी जताती है। फिर वो दूसरी जगह जाने के लिए सोच लेते हैं और अपने घर से निकल जाते हैं। धूप में चलते चलते वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाती हैं। जानकी चलने की हालत में नहीं थी। बेटा अनामिका, अब मैं चलने की हालत में नहीं हूँ, बहुत प्यास लगी है, पानी नहीं पीऊंगी तो मर जाऊंगी। जानकी इस तरह से कहती है। अनामिका इधर उधर पानी की तलाश करने लगती है। फिर थोड़ी दूर में वो एक नारियल का पेड़ देखती है। फिर वो वहाँ जाकर बहुत मेहनत से पेड़ पे चढ़ के दो नारियल तोड़ के सासू माँ के लिए ले आती है। हाय भगवान, और कितनी तकलीफ होगी। ये कहकर जानकी दुखी हो जाती है। तब अनामिका कहती है, सासू माँ थोड़ी ही दूर में एक मंदिर है, चलिए हम वहाँ चल के थोड़ा विश्राम करेंगे, यहाँ रहेंगे तो धूप से ही मर जाएंगे। ऐसा कह के धीरे धीरे वो दोनों मंदिर जाते हैं। वहाँ जाके वो देवी से प्रार्थना करती हैं। देवी माँ, हमें इस गर्मी की तकलीफ से बचाइए, आपको हमें बचाना ही होगा, ऐसा तक कि पूरे गांव वालों को पानी के लिए इतनी दिक्कत हो रही है, आप ही तारनहार है देवी माँ, कुछ कीजिए। इस तरह अनामिका देवी माँ से प्रार्थना करती है। फिर वहाँ थोड़ी देर बैठती है और धीरे धीरे सो जाती है। तभी अचानक देवी माँ प्रकट होती है और आशीर्वाद देके वहाँ से अदृश्य हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों की आंखें खुलती है। जहाँ दोनों को मंदिर में होना था वो दोनों घर पे थी। अरे सासू माम, यहाँ पे कैसे आए, हमें तो मंदिर में होना था, यहाँ हमें कौन लाया। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, चलो बाहर चल के देखते हैं। ऐसा कहकर दोनों बाहर जाते हैं और देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा बोर है और उसमें एक बड़ा सा मोटर भी लगा हुआ है। ये देखकर सास बहू दोनों ही खुशी से झूम उठती है। सासू माँ, ये जरूर देवी माँ की कृपा है, हमारे गर्मियों की समस्या का दूर करने के लिए उन्होंने इस तरह से मदद की है। ये कहकर अनामिका जाके मोटर ऑन करती है। पंप से भरपूर पानी आने लगती है। ये देखकर सास बहू की खुशी की सीमा नहीं रहती है। सासू माँ, हमारे तरह कई लोग मुसीबत का सामना कर रहे होंगे, हम उन सभी को यहाँ से पानी ले जाने के लिए कहेंगे सासू माँ, अनामिका इस तरह कहती है। फिर वो इस विषय में सभी को बताती है। जिन्हें भी पानी की समस्या थी वो सभी लोग सास बहू के पास आते हैं और खुशी खुशी वहाँ से पानी लेके जाती हैं। इस तरह सास बहू की वजह से और देवी माँ की कृपा से सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। एक गांव में बुजुर्ग महिला शारदा अपने बेटे रमेश और बहू अनामिका के साथ रहती थी। काफी लंबे समय से उस घर की जिम्मेदारियाँ रमेश ही उठा रहा था। वो एक लॉरी ड्राइवर था और जो पैसे मिलते थे उसे उसी से वो घर का खर्च चलाता था। ऐसा ही चल रहा था। एक दिन उस लॉरी की एक्सीडेंट हो जाती है। रमेश दोनों पैर गवा के संयाग्रस्त हो जाता है। अचानक से पूरा परिवार गरीबी का सामना करने लगा। उन पे मुसीबत आ गिरती है। जितने भी पैसे थे सारे हॉस्पिटल के खर्च में दे देते हैं। सास बहू समझ नहीं पा रही थी उन्हें क्या करना चाहिए, वो बहुत दुखी थी। बेटा अनामिका, हमारी जिंदगी ऐसी पलट खाएगी, कभी सोचा नहीं था। जब से वो सैयाग्रस्त हुआ है हम तो रास्ते पे आ गए हैं, जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए, ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हमारी क्या परिस्थिति होगी। इस तरह भयभीत होके कहती है। अनामिका ये सुनकर कहने लगती है, मुझे भी यही डर है सासू माँ, देखती हूँ अगर मुझे कुछ काम मिल जाए, नहीं भी तो एक छोटा व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ माँ। अनामिका की बातें सुन के शारदा कहती है, व्यापार करे तो अच्छा ही रहेगा, पर उसके लिए भी तो हमें पैसों की जरूरत होगी ना बेटा। मैं वैसा व्यापार के बारे में नहीं सोच रही हूँ माँ जी, कुछ ऐसा व्यापार हो जिसमें कम पैसे की लागत हो, आज मैं अच्छे से सोच लेती हूँ, कल फिर इस बारे में बताऊंगी। इस तरह से अनामिका कहकर वहाँ से चली जाती है। किस तरह का व्यापार करना चाहिए अनामिका इस बारे में सोचती रहती है। अनामिका पीछे बगान में जाके बैठ जाती है। उसे अपने सामने एक नींबू का पेड़ दिखता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अभी गर्मियों का मौसम है और बाहर बहुत धूप भी है, अगर हाथ से बने हुए पेप्सी बना के बाजार में जाके बेचूं तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे विश्वास है सब आके मेरी पेप्सी जरूर पियेंगे। अनामिका सोचती है, फिर जाके अपनी सासू माँ को वो तरकीब बताती है। ये सुनकर शारदा कहती है, तरकीब तो अच्छी है, पर क्या लोग एक रुपए दे के हमारी पेप्सी पियेंगे।
स्वादिष्ट होंगे तो क्यों नहीं खरीदेंगे, वैसे भी हमारे गांव में तो कुछ है नहीं, वो जरूर खरीदेंगे। अच्छा एक मिनट रुकिए ना। ऐसा कहकर वो अंदर जाती है और एक ग्लास पेप्सी लाके देती है। ये लीजिए पी के बताइए स्वाद कैसा है। अरे ये क्या है। अरे माँ जी मैं कहूँगी नहीं तो आप पियेंगे नहीं क्या, ये मैंने बगान से नींबू तोड़ के अपने लिए नींबू पानी बनाया था, अब पी के बताइए कैसा है, अनामिका कहती है। अनामिका के कहने पर शारदा वो पेप्सी पी जाती है। आह बहू ये तो बहुत स्वादिष्ट है, सच में स्वाद बहुत अच्छा है, अगर हम लोगों को देंगे तो वो सच में खरीद के पियेंगे, शारदा कहती है। उनकी बात सुन के बहू बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सासू माँ को भी सिखा देती है कि पेप्सी कैसे बनाना है। अगले दिन ही अनामिका पड़ोस के बाजार में जाके एक पेप्सी का दुकान शुरू कर देती है, क्योंकि काफी गर्मी थी और पेप्सी ठंडा था, इसीलिए वहाँ बड़े मात्रा में लोग जाने लगते हैं। पहले दिन से ही उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है, वो बहुत पैसे कमा लेते हैं। तुम्हारी इस सोच की वजह से कितना अच्छा फल मिला, अब हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा, मैं घर पे रह के पेप्सी बनाया करूँगी, तुम जाके दुकान में उसे बेचना, शारदा ऐसा कहती है। कुछ दिन निकल जाता है। अनामिका के पेप्सी के दुकान के आगे भीड़ लगी होती है और लोग पेप्सी खरीद के पीते हैं। तभी एक दिन शकुंतला नाम की एक धनी महिला बाजार में जाती है, वो बहुत घमंडी थी। अरे रंगा लोग वहाँ पे इस तरह से ऐसे भीड़ क्यों जमाया है, शकुंतला बड़े ऐंठ के पूछती है। रंगा कहता है मालकिन वहाँ एक रुपए में पेप्सी का दुकान है, लोग वहाँ जाकर उसे खरीद रहे हैं, जब जब मैं बाजार आता हूँ मैं वहाँ भीड़ ही देखता हूँ। ये सुनके शकुंतला रंगा से कहती है अगर कोई दुकान लगाता है और वो चलता है तो ये देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, इस गांव में हमारा व्यापार सबसे आगे होना चाहिए, मैं मालिक से बात करती हूँ, कल से हम भी कोल्ड ड्रिंक का व्यापार शुरू करेंगे। ऐसा कहकर शकुंतला अगले दिन ही अनामिका के दुकान के सामने अपना कोल्ड ड्रिंक का दुकान लगा देती है। वहाँ वो तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक के बोतल रखती है, रंग बिरंगा बोतल देखकर लोग वहाँ आकर्षित होते हैं। इस वजह से लोग धीरे धीरे अनामिका का दुकान जाना बंद कर देते हैं और शकुंतला का दुकान जाने लगते हैं। ये देखकर अनामिका बहुत आश्चर्य होती है। लोगों की ऐसी मानसिकता देख के अनामिका डर जाती है। हाय भगवान ये क्या, ये तो मेरी प्रतिद्वंदी हो के आई है, मेरा व्यापारी चौपट कर देगी। ऐसा सोचकर वो आसपास के लोगों को अपने दुकान में बुलाने लगती है। आइए बाबू आइए, एक रुपए में पेप्सी का आनंद लीजिए, आइए बाबू आइए। इसके बावजूद कोई नहीं आता, सभी लोग शकुंतला के दुकान जाते हैं। छी मैंने इस तरह से लोगों को अपनी दुकान क्यों बुलाया। अनामिका समझ नहीं पाती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो सारा पेप्सी लेती है और साइकिल में लेके गली गली उसे बेचने निकल जाती है। उसके बावजूद कोई उससे नहीं खरीदता है। थकार के वो घर जाके सासू माँ को बताती है। उसके हाथ पैर विकलांग हो जाए, उसने ऐसा जो किया, मैं कल जाके उससे मिलूंगी। और भी इस तरह से वो कुछ कुछ कहती है। अगले दिन अनामिका अपने दुकान में जाती है। थोड़ी देर बाद उसके दुकान शकुंतला आती है। शकुंतला को देखकर अनामिका उसके पास जाती है। मैं अभी अभी पेप्सी बनाकर एक रुपए में बेचना शुरू की थी, आपका दुकान मेरे दुकान के सामने खुल गया, इसलिए दोनों का व्यापार में दिक्कत हो सकती है, बाजार के बाहर दुकान लगाती है तो अच्छा रहेगा, आप एक बार सोच के बताइए मुझे। ए, तुम कौन होती हो सुझाव देने वाली, आइंदा फिर से कुछ कहा ना तो याद रखना ये दुकान भी यहाँ नहीं रहेगा, ये मेरी ताकत है, अपना मुंह बंद करो और दुकान में जाके बैठ के मक्खी उड़ाओ। इस तरह से शकुंतला अपमान करती है। अनामिका दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। शाम को घर लौट के शारदा को वो सारी बातें बताती है। हाँ मुझे पता चला वो बहुत अहंकारी है, सारे गांव वाले कहते हैं, अब उसे जवाब देना ही पड़ेगा, तुम दुखी मत हो। बहू का दुख भरा चेहरा देखकर शारदा इस बारे में बहुत सोचती है। अगले दिन शकुंतला के दुकान में बहुत भीड़ थी। शारदा शहर की महिला के तरह कपड़े पहनती है, गॉगल्स लगाती है, हैंडबैग लेती है और शकुंतला के कोल्ड ड्रिंक के दुकान जाती है। क्या एक अच्छा कोल्ड ड्रिंक मिल सकता है, इस तरह से पूछती है और एक कोल्ड ड्रिंक ले लेती है। सब देख रहे थे, वो पीने लगती है और अचानक से अपने मुंह से उल्टियां करने लगती है, सभी लोग आश्चर्य होते हैं। अरे मैंने अच्छे कोल्ड ड्रिंक देने को कहा जो फलों से बना हो और तुमने ये मुझे क्या दे दिया, मेरे दोस्त ने ऐसा कोल्ड ड्रिंक पिया उसे कैंसर हो गया,
और फिर बाद में वो मर गया, मैं नहीं पीऊंगी। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। ये सुनने के बाद सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि सारे कोल्ड ड्रिंक्स केमिकल से बने हुए हैं, ऐसा तक कि वो पैसे भी नहीं देते हैं उनके। शकुंतला को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बातों ही बातों में ये बात फैल गई कि शकुंतला केमिकल वाला कोल्ड ड्रिंक बेचती है। अब उसके दुकान के तरफ कोई नहीं जाता है। अपनी सासू माँ की बुद्धि देखकर अनामिका हंसती है। बाद में लोग अनामिका के एक रुपए वाले पेप्सी पीने के लिए आने लगते हैं। फिर से व्यापार रमारम चलने लगता है और सासू माँ बहुरानी इससे बहुत खुश होती है।